15/7/2021 को निकालना है तो ये 45 हो जाएगा, एक महीना जाए 45 में से आपको 15/25 हो जाए तो 20 दिन हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 6 में से 11 नहीं आएगा तो एक साल इसमें से बच जाएगा तो 12 महीना आ जाएगा, प्लस 12 महीना इधर आ जाएगा तो 12 और 6 हो जाएगा 18, 18/7/2021 आएगा तो हो जाएगा 7। अब इनको चाहिए 2020 और 20 में 2020 में से 82 हटाएगा तो ये हो जाएगा आपको 38, तो वो आदमी अब 38 वर्ष 7 महीना और 20 दिन का है। यदि 39 वर्ष तक या 40 वर्ष तक मैक्सिमम ले जाए तो या तो फॉर्म भर सकता है। मान लीजिए आपका डेट बर्थ आपको है मान लीजिए 6/6/2020 का, किसी का डेट ऑफ बर्थ 25/12/2020 में 2001 किसी का डेट ऑफ बर्थ। अब ये आदमी जो ये लड़का है कि वो 18 वर्ष उसका हुआ है कि नहीं, ये फॉर्म भर सकता है कि नहीं, इसका डेट ऑफ बर्थ निकालना है तो ध्यान दीजिए। फिर आज का डेट मान लिया 15/8/8 को आप निकाल रहे हैं, 15 अगस्त को 15/8/2020 को आप निकालना से निकालना है, उतना को फॉर्म निकल गया इतना दिन का कम से 18 वर्ष होना चाहिए तो इतना डेट ऑफ बर्थ निकाल, इतना तक फॉर्म अप्लाई हुआ और यहाँ 25 लिख लीजिए, यहाँ पर 12 लिखने का डेट ऑफ बर्थ अगर 2001। अब क्या कीजिए आप देखिए फिर क्या 25 बड़ा है 18 बड़ा है और महीना दोनों छोटा है तो एक महीना में से एक दिन आएगा, दिन को बदलेंगे तो 30 दिन इसमें प्लस हो जाएगा, 30 प्लस फिर 45 हो जाएगा और 45 में से 25 घटा दीजिए कितना जाएगा 20। अब ये बच गया 7 से 12 नहीं आएगा, एक साल इसमें से 45 जाएगा, एक साल में तो प्लस 12 इसमें 12/7 हो जाएगा 19 और 19 में से 12 चला जाएगा तो फिर बच जाएगा 7 उसका ये 20 बचेगा, 20 में से 1 चला गया तो हो जाएगा 19 तो ये जो 19 वर्ष 7 महीना और 20 दिन का। अब ये लड़का 18 वर्ष से ज्यादा का है ये फॉर्म भर सकता है, ये आदमी 40 साल का उनका है फॉर्म भर सकता है तो मैक्सिमम एज जो होता है फॉर्म भरने के लिए 18-40 बिहार में होता है, लेकिन बहुत सा कंपटीशन का आपको 18-40 होता है और बहुत सा बिहार में कोई एग्जामिनेशन है जैसे एयरफोर्स होता है ठीक बात नहीं हो पाता है, मेडिकल सब एग्जाम 25 से तो बात नहीं हो पाता है, लेकिन जो बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम है वो आपको 37-40 एज तक आप भर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपको जो तैयारी करना है ऐसे तैयारी करना है कि 18 से लेकर 25 वर्ष तक आपको जॉब मिल जाए। बच्चों आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और यदि डेट ऑफ बर्थ निकालने आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और एजुकेशन से रिलेटेड फीस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे यूट्यूब चैनल अंगेला फीस क्लास पर जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आपको इसी तरीका से तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा। अब आपको हम समझाते हैं कोई यूट्यूबर अपने वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता है। यदि आप उसके यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब कर लेते हैं, सच कर रहे हैं यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो होता क्या है कि जब उसको सब्सक्राइब करते हैं तो उसका फॉलोवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बेचारा फिर चैनल मॉनिटर सिर्फ आप एक क्लिक को लेते हैं, आपको तो कोई पैसा नहीं लगा, आप उसके चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो आप फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, अच्छा अच्छा सेटअप लगाता है, मोबाइल अच्छा खरीदता है, अच्छा बुआ का मैक लगाता है, अच्छा अच्छा फोटो मार्क लिखा को समझाता है और उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसको आगे प्रमोट मिलता है और वो अपना वीडियो कंटिन्यू जारी रखता है। इसलिए फिर मैं एक बार कह सकता हूँ यदि आप ये वीडियो आपको लाइक अच्छा लगा, यदि आप डेट ऑफ बर्थ निकालना सीख गए और नहीं भी सीखे तो इसको दो बार तीन बार रोक कर देख कर सीख जाइएगा, तो इस वीडियो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं अरविंद अंगेला आप लोगों को फिजिक्स से रिलेटेड और कंपटीशन से रिलेटेड इस तरीके का एजुकेशनल वीडियो बनाते रहता हूँ। ओके।